हाँ जी, आज हम एक्सरसाइज 8.3 करेंगे। ये एक्सरसाइज 8.3 जो है, ये 8.2 में जो हमने इसमें बाइनोमियल थ्योरम यूज़ किया था, इसी को लेके हम आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.3 पे जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको 8.2 में ये फार्मूला बताया था, बाइनोमियल थ्योरम था, a प्लस बी की पावर n, a की पावर n प्लस n, ये जो फर्स्ट है इसकी पावर कम थी होती जा रही है, और सेकंड की जो है ये आपके पास प्लस एन इंटू एन माइनस वन ए की पावर एन माइनस टू एंड बी स्केयर ओवर टू फैक्टोरियल प्लस सो वन। लेकिन अगर इसी तरह ए की प्लेस पे अगर हमारे पास वन प्लस एक्स की पावर एन में कहूँ, तो ये भी ये हमारे पास आएगा, जो फर्स्ट है वन प्लस एन एक्स सेकेंड स्टार्ट हो गया, क्योंकि फर्स्ट तो इसमें है ही वन, तो वन की अगर हम पावर जितनी भी करेंगे वो तो हमारे पास टोटल वन ही आता जाएगा। तो वन प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन, एक्स जो है ये आपके पास ज़्यादा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ओवर टू फैक्टोरियल प्लस एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू एक्स थ्री ओवर थ्री फैक्टोरियल। ये सिंप्लीफाई कर दिया, एक की प्लेस पे अगर वन ना आ जाए तो फार्मूला हम यही यूज़ कर रहे हैं जो ऊपर यूज़ किया है। अब इसी फार्मूले को लेके एक्सरसाइज 8.3 हम करेंगे। एक्सरसाइज 8.3 में है जैसे क्वेश्चन नंबर वन है, एक्सपेंड द फॉलोइंग अप टू फोर टर्म टेकिंग द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट द एक्सपोनेंशियल इन ईच केस इज वैलिड। हमने ये फार्मूला हमारे पास फर्स्ट है वन माइनस एक्स की पावर वन बाई टू, इसको हमने एक्सपेंड करना है, इसकी फर्स्ट फोर टर्म हमने लिखनी है। तो फर्स्ट फोर टर्म है तो वन माइनस एक्स की पावर वन बाई टू। अगर फार्मूला में एक्सपेंड करूँ, सबसे पहले वन प्लस एन एक्स, एन इज वन बाई टू एंड एक्स इज, अगर हम देखें तो हमारे पास ये माइनस एक्स है, प्लस एन इंटू एन माइनस वन वन बाई टू माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल, और ये जो माइनस एक्स है इसका स्क्वायर आ जाएगा। प्लस फिर एन इंटू एन माइनस वन, अगर वन बाई टू माइनस वन करें टू एलसीएम में वन माइनस टू, माइनस वन बाई टू आएगा। अगर फिर इसमें देखें n इंटू एन माइनस वन एंड n माइनस टू, माइनस वन बाई टू माइनस वन, टू एल सी एम माइनस वन माइनस टू, माइनस थ्री बाई टू आ जाएगा एंड x थ्री ओवर थ्री फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। ये हमारे पास अगर इसकी टर्म आती जाएंगी, अगर हम इसी को ज़रा सिंप्लीफाई करके लिखें तो वन माइनस वन बाई टू एक्स आ जाएगा। अगर इसको देखें तो ये हमारे पास वन वन बाई टू माइनस वन, वन बाई टू माइनस वन बाई टू, इट्स मीन माइनस वन बाई फोर, माइनस वन बाई फोर डिवाइडेड बाई टू है, तो टू माइनस माइनस वन बाई फोर डिवाइडेड बाई टू, जब आप इसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो माइनस वन बाई एट, तो ये माइनस वन बाई एट एक्स स्क्वायर आ जाएगा दूसरी टर्म हमारे पास, ये माइनस एक्स का स्क्वायर है ना। हाँ जी, वन माइनस वन बाई टू एक्स है, फिर माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू एक्स स्क्वायर माइनस
1 बाई 8 एक्स स्क्वायर एंड रिमेनिंग पे जो हमारे पास आ जाएगी प्लस 3 बाई 48 एक्स क्यूब प्लस होगा। इसको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास ये इसकी फर्स्ट 3 टर्म आ चुकी हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें इसी का सेकंड पार्ट वन प्लस टू एक्स की पावर माइनस वन है, इसे हमने सिंप्लीफाई करने सेम यही फार्मूला हम एक्सपेंड करेंगे वन प्लस एन एक्स, एन इज माइनस वन एंड एक्स इज टू एक्स, वन प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन, एन इज माइनस वन, माइनस वन माइनस वन माइनस टू ओवर टू फैक्टोरियल और टू एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस वन माइनस टू एंड माइनस थ्री और थ्री फैक्टोरियल आएगा एंड टू एक्स का क्यूब आ जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह प्लस सो वन। तो जब इसे हम लिखेंगे तो ये वन माइनस टू एक्स प्लस फोर एक्स स्क्वायर एंड माइनस एट एक्स क्यूब प्लस सो वन, तो ये इसकी टर्म आ जाएंगी। मेन हमने पहले फार्मूला ही एक्सपेंड करना है फिर उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाती है। नेक्स्ट अगर हम और क्वेश्चन अगर इसके डिस्कस कर लें, फॉर एग्जांपल हमारे पास है इसका फोर पार्ट है, फोर पार्ट में भी यही है फोर माइनस थ्री एक्स की पावर वन बाई टू। तो जब इससे भी देखेंगे सबसे पहले वन प्लस एन एक्स का फार्मूला अगर हमने लगाना तो फोर पावर वन बाई टू, फोर की पावर वन बाई टू अगर हम कॉमन ले लें तो रिमेनिंग हमारे पास आएगा वन माइनस थ्री, ये जो फोर है जो कॉमन लिया तो ये साइड पे आ जाएगा थ्री ओवर फोर एक्स होल पावर वन बाई टू। अब इस पे आप सेम बाइनोमियल का आगे फार्मूला लगा सकते हैं, यानी फोर की पावर वन बाई टू तो ये टू की पावर टू इंटू वन बाई टू, वन माइनस थ्री ओवर फोर एक्स होल पावर वन बाई टू, तो टू टू से कैंसल तो टू, इस पे अगर फार्मूला लगा दें वन प्लस एन एक्स, एन इज वन बाई टू एंड एक्स इज माइनस थ्री ओवर फोर एक्स, फिर प्लस एन इंटू एन माइनस वन, एन इज वन बाई टू, वन बाई टू माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री ओवर फोर एक्स का स्क्वायर ओवर टू फैक्टोरियल प्लस वन। तो जब इसे ही अगर हम एक्सपेंड कर लेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, पहले यही है तो ये अगर आपके पास फर्स्ट माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। और अगर हम इसमें से देख लें कि फॉर एग्जांपल आपके पास 8 माइनस 2x की पावर माइनस वन है, तो अगर इसमें भी अगर मैं कॉमन लूँ 8 की पावर माइनस वन कॉमन है देन 1 माइनस 2 ओवर 8 एक्स होल पावर माइनस वन, तो इस पे बाइनोमियल थ्योरम हम एक्सपेंड कर देंगे एंड पर 8 की माइनस वन से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर टू पे आएं, क्वेश्चन नंबर टू भी यही है यूज द बाइनोमियल थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। हम बाइनोमियल से हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है 99 का अंडर रूट, तो 99 को अगर हम देखें तो 99 को हम 100 माइनस वन भी लिख सकते हैं होल पावर वन बाई टू। अब 100
होल पावर 1/2 अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूँ तो 1 - 1/100 की पावर 1/2 आ जाएगा। ये 10^2 (2)/(1/2) 2 से कैंसिल, 1 - 1/100 की पावर 1/2। तो अगर इसे हम अगर सिंप्लीफाई कर लें, 10^(1 - 1/100) की पावर 1/2, इस पे बाइनोमियल फार्मूला एक्सपेंड करेंगे देन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। इसी तरह अगर हम फॉर एग्जांपल 0.98 होल पावर 1/2 है तो इसे हम 1 - 0.02 भी लिख सकते हैं होल पावर 1/2। इस पे हम अगर बाइनोमियल फार्मूला एक्सपेंड कर दें a - b^n तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, पहले ये इसी फॉर्म में है। नेक्स्ट अगर मैं देखता हूँ इसका पार्ट नंबर 31, फिफ्थ रूट है, तो आप इसे 30+1 पावर 1/5 लिख सकते हैं। तो 30^(1/5) कॉमन ले लें देन 1 + 1/30^(1/5) बाइनोमियल से नेक्स्ट एक्सपेंड हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एन इन द एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स 3 का अगर हमने कोफिशिएंट इसमें से फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 3 में। कोफिशिएंट ऑफ एक्स एन एन कोफिशिएंट फाइंड करना हमारे पास है 1+x² (1 - x)² तो यह पहले अगर मैं इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूं तो इस तरह भी मैं लिख सकता हूं 1+x² और 1 - x² तो 1+x² (a+b)² (a²+b²+2ab) 1+nx तो 1 - x² है तो 1 - 2x और +x² आ जाएगा। -2x की पावर -2 है तो वह -2 जब पावर आएगी तो ये हमारे पास पहले 1+2x +3x² + 4x³ + so on पावर भी नेगेटिव है ना, तो सबसे पहले 1+nx n इज -2x - x तो प्लस आ गया देन +n (n-1) (n-2) है एंड -1 -2 -1 -3 आया है आपके पास, तो जब -x² - 2 लिया तो ये हमारे पास पॉजिटिव आ गया, ये हमने फार्मूला एक्सपेंड कर दिया। तो अगर इसे ही मैं इस nth की पावर में लिखूं तो 1+x² + 2x तो ये आएगा 1+2x + 3x² + 4x³ + (n-1) (n²+(n-2) + (n)(x)² + (n-1) + (n+1) और (x)(n+1). अब अगर हम x की पावर n
अगर x की पावर n को अगर हम करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले x की पावर n अगर आप ये देखें, x की पावर n, सबसे पहले अगर हम ये n प्लस वन लेते हैं, n प्लस वन और x की पावर n है, इसको वन को मैं मल्टीप्लाई करूं n प्लस वन और x की पावर n से, तो हमारे पास n वन x की पावर n आ जाएगा। प्लस अगर टू को देखें तो ये टू की पावर x है, ये टू की पावर x है, तो टू की पावर x को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूं, तो आपको पता है ये x की पावर वन है, तो ये भी x की पावर वन बन जाएगा। x को अगर हम मल्टीप्लाई करें x की n माइनस वन से, तो बेसिस सेम है, मैथ का रूल है कि पावर ऐड हो जाती है, तो आपके पास x n रिमेनिंग टर्म आएगी। तो 2x को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2n x की पावर n, देन x स्क्वायर है, x स्क्वायर को अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं, x 2 है तो माइनस 2 प्लस 2 से कैंसिल, तो रिमेनिंग टर्म हमारे पास आ जाएगी प्लस n माइनस 1 x की पावर n। इसको मल्टीप्लाई करने से इसके साथ जो x की पावर n वाले कोफिशेंट आ रहे हैं, 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करें इस टर्म के साथ, तो x की पावर n आ रहा है, 2 की पावर x को अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो x की n आएगा, देन x स्क्वायर को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें तो x की पावर n आएगा। तो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करके लिख लूँ, x की n में अगर सब में से कॉमन ले लेता हूँ, तो रिमेनिंग मेरे पास n प्लस 1 प्लस 2n एंड प्लस n माइनस 1, ये टर्म मेरे पास आ जाएंगी। अगर इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें, x की पावर n, n इसमें माइनस 1 जो है ये प्लस 1 से कैंसिल, 2n, 3n, 4n, तो 4n, 4n x की पावर n, तो x की पावर n का अगर हम कोफिशेंट देखें, तो x की पावर n का कोफिशेंट हमारे पास 4n आ रहा है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देखते हैं, 1 प्लस x की पावर 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस x का होल स्क्वायर है, तो 1 प्लस x होल 1 माइनस x माइनस 2, तो 1 प्लस x का होल स्क्वायर अगर हम कहें तो 1 का क्यूब प्लस 3ab 3x 3x स्क्वायर प्लस x का क्यूब, इसमें हमने a प्लस b का क्यूब, a प्लस b क्यूब होगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर एंड 3b स्क्वायर, a को हम 1 कंसीडर कर लेते हैं और b को x, तो जब इस पे लगाएंगे तो ये फार्मूला यही हमारे पास बन जाएगा, 1 प्लस nx, n इज माइनस 2 एंड x इज माइनस x, फिर प्लस n इंटू n माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 आएगा, और ये जो माइनस x है इसका हम स्क्वायर ले लेंगे, माइनस 3 और माइनस x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1। अगर हम इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं तो 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस x क्यूब, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस n माइनस 2 x की पावर n माइनस 3 प्लस n माइनस 1 x की पावर n माइनस 2 प्लस n x की पावर n माइनस 1 प्लस n प्लस 1 और x की पावर n, ये हमारे पास आ जाएगा। तो अब इसी में से जो x की पावर n वाले लेने हैं, फॉर एग्जांपल ये 1 है, तो 1 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ सबसे एंड वाली से n प्लस 1 के साथ, तो ये n प्लस 1 x की पावर n आ जाएगा। फिर इसी तरह प्लस 3x है, तो 3x को अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस 3n और x की पावर n आ जाएगा, देन 3x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं
3n minus 1 x की पावर n, देन एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं प्लस n माइनस 2 एंड x की पावर n, तो इसी में से सेम अगर आप x की पावर n सब में से कॉमन ले लेते हैं, x की पावर n अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास रिमेनिंग टर्म आएगी n प्लस 1 प्लस 3n प्लस 3n माइनस 3 प्लस एन माइनस 2, तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आप इसे 8n माइनस 4 एक्स एन, तो ये एक्स एन का अगर कोफिशेंट देखें तो 8xn माइनस 4 एक्स एन का आपके पास कोफिशेंट आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखते हैं, इफ एक्स इज सो स्मॉल डेट इट्स स्केयर एंड अ हायर पावर कैन बी निगलेक्ट देन शो डेट 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स का अंडर रूट इक्वल टू 1 माइनस 3 बाई 2 एक्स, ये हमने शो करना है कि जो हायर पावर है ना, जो पावर है जैसे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब को हमने निगलेक्ट कर देनी है। तो अगर इसको देखूं तो ये मेरे पास 1 माइनस एक्स है, ये 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई 2 है, तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें 1 माइनस एक्स 1 प्लस एन एक्स 1 बाई 2 एक्स आ जाएगा, आगे लूँगा तो प्लस एन इंटू एन माइनस वन एक्स स्क्वायर, वो तो पावर आगे ज़्यादा आती जाएंगी, तो आप इसे यहाँ तक ही अगर मैं एक्सपेंड कर रोक देता हूँ तो ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ 1 आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करूँ तो 1 बाई 2 एक्स आएगा, माइनस एक्स को अगर हम 1 से करते हैं माइनस एक्स आएगा, माइनस एक्स को अगर इससे करें तो माइनस 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर आएगा, लेकिन इसमें एक्स स्क्वायर है तो इसको अगर आप निगलेक्ट कर दें, इसको हम निगलेक्ट कर देंगे तो रिमेनिंग आपके पास यही आएगा 1 बाई 2 माइनस 1, 2 LCM आ जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1 बाई 2, तो 1 माइनस 1 बाई 2 एक्स ये आपके पास शो हो गया, क्योंकि जो पावर है अगर मैं इसको आगे करूं, ये x है, बाइनोमियल थ्योरम आपको पता है, नेक्स्ट एक्स स्क्वायर आएगा देन एक्स क्यूब आएगा, तो x की पावर को तो हमने निगलेक्ट, जो पावर आएगी उसको निगलेक्ट करके लिखना है। इसी तरह अगर आप इसका कोई और पार्ट, अगर मैं सेकंड पार्ट को देखता हूं, वन प्लस टू एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, ये हमने प्रूव करना है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 1 प्लस 3 बाई 2 एक्स के, तो सेम इसी तरह ये 1 प्लस 2 एक्स की पावर 1 बाई 2 लिख लें, देन 1 माइनस एक्स लिख लें, इसी में से अगर हम बाइनोमियल, हाँ जी, इसको हमने अगर एक्सपेंड किया है 1 प्लस 2 एक्स है, इसकी पावर होल 1 बाई 2 है, एंड 1 माइनस एक्स अगर इसको भी देखें तो 1 माइनस एक्स का अंडर रूट है, इसकी भी पावर 1 बाई 2 है, तो ये ऊपर जाके -1/2 इसकी पावर आ जाएगी, 1 माइनस 1/2 आ जाएगी। ओके, तो जब इसे हम एक्सपेंड करते हैं तो ये हमारे पास आता है। नेक्स्ट अगर मैं कोई और टर्म भी इसमें लिखूँ, प्लस एन इंटू एन माइनस 1, तो -1/2 आ जाएगा, 2x का स्केयर आ जाएगा ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। इसी तरह जब इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो ये भी आपके पास 1 प्लस nx, x इज माइनस एक्स, देन प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2 -1/2 आ जाएगा, रिमेनिंग माइनस एक्स का स्केयर एक्स स्केयर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस 1। तो अब इसी को अगर मैं ये देखूँ, 2 से कैंसिल है तो ये मेरे पास 1 प्लस एक्स आ रहा है, और अगर इसको देख लें तो ये आपके पास 1 प्लस एक्स है, तो इसमें देखें ये तो पावर एक्स स्केयर ग्रेटर हो गई है, तो इसको हम छोड़ देंगे। जब इसको देखेंगे तो ये -1/2
इंटू माइनस एक्स है तो वन प्लस एक्स बाई टू आ जाएगा, इसके भी एक्स स्क्वायर देखें तो पावर ज़्यादा हो जाती है। तो अगर आप वन को वन से मल्टीप्लाई करें, वन वन को अगर हम वन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वन प्लस एक्स बाई टू प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वन, लेकिन इसमें ये देखें कि एक्स स्क्वायर है तो ये आप निगलेक्ट कर दें तो रिमेनिंग वन प्लस वन बाई टू करेंगे तो वन प्लस थ्री बाई टू एक्स, ये हमने शो करना था जो कि हमारे पास शो हो चुका है। इसी तरह इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं आप इसी तरह बाइनोमियल का जो फार्मूला है उसे एक्सपेंड करेंगे, लेकिन जो पावर आ रही है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब जब मल्टीप्लाई करने से स्क्वायर और क्यूब की जो पावर आ रही है उन्हें हम निगलेक्ट कर देंगे, एक्स से बड़ी जो भी पावर है उसे निगलेक्ट करेंगे, ओनली एक्स वाले को ही कंसिडर करना है। नेक्स्ट जो ज़रा डिफरेंट है क्वेश्चन, अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स में है इफ़ एक्स इज़ वेरी नियरली इक्वल टू वन देन प्रूव डैट। क्वेश्चन नंबर सिक्स इसी एक्सरसाइज का सिक्स क्वेश्चन ज़रा हम डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, सिक्स में इफ एक्स इज वेरी नियरली टू एक्स इक्वल टू वन, इफ एक्स इज वेरी नियरली इक्वल वन इट्स मीन जो एक्स माइनस वन है ये हम रिमेनिंग कर लेते हैं किसी कॉन्स्टेंट एच के इक्वल है, देन प्रूव डैट पी एक्स की पावर पी माइनस क्यू एक्स की पावर क्यू इक्वल टू पी माइनस क्यू एंड एक्स की पावर पी प्लस क्यू। अगर ये देखें इसमें x माइनस वन एच के इक्वल है, अगर मैं x की वैल्यू x माइनस वन इक्वल टू एच और x अगर हम फाइंड करें तो वो वन प्लस एच के इक्वल होगा। इसी तरह मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड अगर ले लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड है p x की पावर p माइनस q x की पावर q, इसमें अगर आप पुट कर दें p वन प्लस h की पावर x की जगह 1 प्लस h लिख लेते हैं और इधर p आ जाएगा, देन माइनस q 1 प्लस h की पावर q, ये आपके पास आ गया। अब अगर इसी को अगर हम सिंप्लीफाई करें ये p है तो ये अगर 1 प्लस एन एक्स, वन प्लस बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करें तो 1 प्लस पी एच आ जाएगा, माइनस क्यू है इसको भी मैं अगर करूं तो 1 प्लस क्यू एच आ रहा है, फर्स्ट टर्म जो है वो हम एक्सपेंड कर रहे हैं इसकी, इसे अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये आपके पास p प्लस पी स्क्वायर एच आ जाएगा माइनस क्यू और प्लस माइनस क्यू स्क्वायर एच के इक्वल आ गया। हाँ तो अगर इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास पी माइनस क्यू प्लस पी स्क्वायर एच माइनस क्यू स्क्वायर एच, अगर ये आपके पास p माइनस क्यू है प्लस इन दोनों में से अगर मैं h कॉमन ले लूं तो ये p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के इक्वल ये टर्म आ रही है। तो अगर इसी में से अगर p माइनस क्यू, इसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं p माइनस क्यू प्लस एच p माइनस क्यू एंड पी प्लस क्यू, क्योंकि ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला मैंने एक्सपेंड कर दिया। अब अगर पी माइनस क्यू कॉमन आ जाए देन वन प्लस एच पी प्लस क्यू, पी माइनस क्यू अगर हमने कॉमन ले लिया तो वन प्लस एच पी प्लस क्यू के इक्वल लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आपके पास आ चुका है।
अगर हम राइट हैंड साइड पे आएं, ये फॉर एग्जांपल अगर आपके पास राइट हैंड साइड है आर एच एस, राइट हैंड साइड पे है पी माइनस क्यू एंड एक्स पी प्लस क्यू। तो ये अगर देखें p माइनस क्यू, x की प्लेस पे हम 1 प्लस एच लिखेंगे और इसकी पावर है p प्लस क्यू, तो ये p माइनस क्यू, तो ये आपको पता है n x है, तो अगर मैं इसे इस तरह भी लिख सकता हूँ 1 प्लस p प्लस क्यू n x है, इसमें h है। तो ये देखें कि राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड सेम रिजल्ट हमें दे रही है अगर हमारा x जो है वो वेरी नियरली टू 1 है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का सेम आंसर आया है। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आए, हमने सॉल्व कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन 7, सेवन एट सेम एक एज इट इज़ हैं, 6, 7, 8, इसमें से हमने इसी तरह अगर क्वेश्चन नंबर 7 हम देखें, क्वेश्चन नंबर 7 में इफ़ पी माइनस क्यू इज़ स्मॉल व्हेन कंपेयर्ड विद पी आर क्यू शो डैट, इसमें हमने ये चीज़ अब शो करनी है 2n प्लस 1 पी प्लस 2n माइनस 1 क्यू, 2n माइनस 1 p प्लस 2n प्लस 1 q इक्वल टू p प्लस q और 2q की पावर 1 बाई n है, जबकि p इज वेरी व्हेन p इज वेरी स्मॉल टू q, तो इट्स मीन के p माइनस q जो है, जैसे उसमें हमने लेट किया कि ये कांस्टेंट h के इक्वल होगा, और यहाँ से ही अगर मैं p की वैल्यू फाइंड कर लूँ तो p मेरे पास q प्लस h के इक्वल आ जाएगा, p q प्लस h है, तो आप इसमें से ये पुट करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड हम फाइंड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास 2n प्लस 1, 2n प्लस 1, p की प्लेस पे आप q प्लस h लिख लेंगे, देन 2n माइनस 1 आएगा और q को q ही लिखा रहने देंगे, इसी तरह हम ये भी यही करेंगे 2n माइनस 1 p की प्लेस पे q प्लस h लिख लो, देन 2n माइनस 2n प्लस 1 और q एज इट इज आ जाएगा। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 2n q प्लस 2n h प्लस q प्लस h प्लस 2n q माइनस q डिवाइडेड बाय 2n q प्लस 2n h माइनस q माइनस h प्लस 2n q प्लस q, ये इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2n को q के साथ, 2n q 2n h फिर q प्लस h, ये 2n q माइनस q, इसी तरह 2n को हमने इससे मल्टीप्लाई किया 2n q 2n h फिर माइनस q माइनस h फिर 2n को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब रिमेनिंग अगर हम इसमें देखें, फर्स्ट में से अगर हम देखें तो प्लस q जो है ये माइनस q से कैंसिल हो रहा है, तो रिमेनिंग टर्म 2n q प्लस 2n q 4n q प्लस 2n h प्लस h, इन दोनों में से अगर मैं h कॉमन ले लूं तो 2n प्लस 1 आ रहा है। इसी तरह नीचे भी देखें तो 4n q और अगर हम प्लस h कॉमन ले लें तो 2n माइनस 1, एच कॉमन लेने से 2n माइनस 1 के इक्वल आ गया। अब अगर इसमें से ये 4n q सेम है तो मैं इसे इस तरह भी लिख सकता हूँ 4n q, अगर हम इसमें से
नेक्स्ट बेटा, ये देखें आप कि अगर इसमें से हम ये देखते हैं 4n क्यूब अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मेरे पास आएगा 1 + 2n + 1 h ओवर 4n³। जो चीज़ कॉमन लेते हैं आपको पता है यहाँ पे आ जाएगी। सेम इसी तरह अगर मैं ये 4n³ कॉमन ले रहा हूँ तो रिमेनिंग टर्म मेरे पास बचेगी 1 + 2n - 1 h और 4n³। अब ये 4n³ से कैंसिल। नेक्स्ट अगर हम इसको 1 + 2n + 1 h 4n³, अगर इसको मैं ऊपर ले जाऊं 1 + 2n - 1 4n³ और पावर -1 आ जाएगा। 1 + अगर इसी को अगर हम नेक्स्ट एक्सपेंड करें, या अभी हम लेफ्ट हैंड साइड का आ रहे हैं इस क्वेश्चन की, ये तो अगर आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1 + 2n + 1 4n³ साथ h, फिर बाइनोमियल एक्सपेंड करें 1 - 2n - 1 4n³ और h। नेक्स्ट अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास यही, अगर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा, फिर 2n + 1 को अगर मैं 1 से करूं 2n + 1 h 4n³। इसको इससे करें तो h स्क्वायर आ जाएगा, तो वो तो हम इग्नोर कर देंगे। देन 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करें -2n - 1 h और 4n³ के साथ, तो 1 + 4n³ अगर मैं एलसीएम ले लूं 2n h + h - 2n h + h डिवाइडेड बाई 4n³, तो ये 2n h इससे कैंसिल, तो 1 + 2h/4n³, 2 इससे कैंसिल 2, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है 1 + h/2n³। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है। अगर इसी तरह राइट हैंड साइड पे देखें राइट हैंड साइड इस क्वेश्चन की थी कि p + q/2q/1/n था, तो q की जगह पे अगर हम इसमें देखा ना p की प्लेस पे हमने q + h पुट किया है, तो p की प्लेस पे p को p ही रहने देंगे, p की प्लेस पे q + h लिख देते हैं +q/2q/1/n। तो ये अगर देखें, अगर इसको मैं देखूं तो ये 2q + h/2q/1/n आएगा। इसको अगर हम 2q को 2q पे डिवाइड करें तो 1 + h/2q और होल पावर इसकी 1/n है, तो जब इसे अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो इस पर बाइनोमियल का फार्मूला लगाएं तो 1 + nx होता है, यानी 1 + n 1/n है, तो h/2n³ आ जाएगा। हाँ, तो ये 1 + अभी इसमें देखें कि जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड ये दोनों सेम आंसर दे रहे हैं।